हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज मैं आपको क्रोशिया हुक चलाना सिखलाऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज बंधु हैंडक्राफ्ट पे भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 9 नंबर 3.50 mm का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। धागे को मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है और अपने फर्स्ट फिंगर में यूं घुमाकर धागे को पीछे से लाकर एक नॉट लगा लिया। इस तरह से आपका एक लूप बन के तैयार हो गया है। इसमें अपने क्रोशिया हुक को डालें और हल्के हाथों से इसे यूं खींच लें। इसे ज़्यादा टाइट ना करें, उतना ही खींचे जितना कि आपका क्रोशिया हुक आसानी से मूव कर सके। अब लेफ्ट हैंड में आप ऊल को इस तरह पकड़ें और अपने स्मॉल फिंगर से हल्के हाथों से दबाएं और फर्स्ट फिंगर में यूं ऊल को घुमा लें, जिससे कि आप क्रोशिया चलाते समय आपका ऊल आसानी से मूव कर सके। इस तरह अब आप अपने मिडिल फिंगर और थम से नॉट के पास पकड़ें। अब क्रोशिया हुक में धागा को फंसाकर यूं लूप से बाहर निकाला, यह आपका एक चैन बन के तैयार हो गया। क्रोशिया हुक में आप धागे को फंसाएं और बाहर निकालें, आपका चैन बन के तैयार हो गया। इस तरह धागे को फंसाएं और लूप से बाहर निकालें, आपका चैन बन के तैयार हो गया। इस तरह आप चैन स्टिच बनाना सीख रहे हैं। फिर से लूप लिया, बाहर निकाला, लूप लिया और बाहर निकाला। इस तरह से आपका चैन स्टिच बन के तैयार हो रहा है। आप क्रोशिया हुक में धागे को इस तरह फंसाएं, बाहर निकालें, ये चैन स्टिच है। आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आप चैन स्टिच में अपने हाथ को अच्छी तरह सेट कर लें। ये उतना मुश्किल नहीं है गाइस, इसे चलाना बहुत ही आसान है। आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो आप एक दिन भी करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो हमने चैन स्टिच बनाया लिया है इस तरह। अब हम स्लिप स्टिच बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमारे हुक में एक फंदा है। अब हम नेक्स्ट चैन को छोड़कर इस सेकंड वाली चैन में अपने हुक को इस तरह डालेंगे और बाहर निकाल कर एक लूप लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में दो फंदे हो गए। अब इन दो फंदे को एक कर देंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच है। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, धागे को फंसाकर इस तरह बाहर निकालेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में दो लूप हो गए। अब दो से एक कर देंगे। फिर नेक्स्ट चैन में जाएंगे, धागे को फंसाकर बाहर निकालें। हमारे हुक में दो फंदे हो गए और दो फंदे को एक कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच बनाया है। नॉर्मली इसका यूज़ हम दो किनारों को ज्वाइंट करने के लिए यूज़ करते हैं,
या फिर सर्कल बनाने के लिए हम स्लिप स्टिच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, धागे को लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उल को फंसा कर एक फंदा लिया। अब हमारे हुक में दो फंदे हो गए और दो से हमें एक फंदा कर देना है। ये हमारा स्लिप स्टिच बन के तैयार हो गया है। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमारे हुक में एक फंदा है। अब हमें नेक्स्ट चेन में जाना है और उल को फंसा कर एक लूप लेना है। अब हमारे हुक में दो फंदे हैं, हमें फिर से एक लूप लेना है और दो फंदे को एक साथ उतार देना है। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उल को फंसा कर एक लूप लेंगे। हमारे हुक में दो फंदे हो गए, हम फिर से हुक में एक लूप लेंगे और दोनों फंदे को एक साथ उतार देंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, लूप लिया, अब दो फंदे हो गए, हमने फिर से एक लूप लिया और दोनों फंदे को एक साथ उतार देना है। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। हमारे हुक में एक फंदा है, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यूं उल को फंसा कर एक लूप लेंगे। अब हमारे हुक में दो फंदे हो गए, हम फिर से एक लूप लेंगे और दोनों फंदे को एक साथ उतार देना है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक लूप लिया, फिर से लूप लेंगे और दोनों फंदे को एक साथ उतार देंगे। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमने नॉट बनाना सीखा, फिर हमने चेन स्टिच बनाया, फिर हमने स्लिप स्टिच बनाए, अब हम सिंगल क्रोशिया बना रहे थे, अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हमें क्रोशिया हुक में एक फंदा है, हम क्रोशिया हुक में यूँ इस तरह अपने उल को घुमाएंगे। अब हमारे हुक में दो फंदे हो गए, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उल को फंसा कर बाहर निकालेंगे। अब हमारे हुक में तीन फंदे हो गए, हम फिर से उल को फंसा कर तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। इसके लिए हम क्रोशिया हुक में हमारा एक फंदा है, हमने इस तरह उल को घुमाया, अब दो फंदे हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उल को इस तरह फंसा कर एक लूप लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में तीन फंदे हो गए, अब हम इस तरह एक लूप लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे। इस तरह ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब हम डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमारे हुक में एक फंदा है, अब हमने यूँ अपने हुक में एक फंदा लिया, अब हो गया दो फंदे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक लूप लेंगे, अब हमारे हुक में तीन फंदे हो गए, अब हम फिर से एक लूप लेंगे, अब दो फंदे को एक साथ उतारना है। तो तीन से दो और फिर से लूप लिया और दो से एक कर देना है। ये हो गया डबल क्रोशिया। हमने हमारे हुक में एक फंदा है, हमने यूँ धागे को घुमाया अपने हुक में, अब दो फंदे हो गए। नेक्स्ट चेन में हम बाहर निकालेंगे और एक लूप लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में तीन फंदे हो गए, हम फिर से एक लूप लेंगे और तीन से दो फंदे और फिर से लूप लेंगे, दो से एक फंदे कर देंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। फिर से देखिए, ये एक फंदा है, हमने यूँ हुक में
उल्को फंसाया, दो फंदे हो गए। हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे और एक लूप लेंगे, हमारे तीन फंदे हो गए। हमने फिर से क्रोशिया हुक में एक लूप लिया, अब तीन से दो फंदे उतारेंगे और फिर से लूप लिया और दो फंदे को एक कर देंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हम ट्रिपल क्रोशिया अपनाना सीखेंगे। हमारे हुक में एक फंदा है, हम इसे दो बार यूँ हुक में उल्को घुमाएंगे। अब हमारे हुक में तीन फंदे हो गए। अब हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे, यूँ हुक को बाहर निकाल कर एक लूप लिया। अब हमारे हुक में चार फंदे हो गए। हमने फिर से हुक में एक लूप लिया। अब हम दो दो फंदों को एक साथ उतारेंगे। लूप लेकर चार से तीन, तीन से दो और दो से एक कर दिया। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। फिर से देखिए, हमारे हुक में एक फंदा है, हम इससे हुक में दो बार घुमाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैन में क्रोशिया हुक को डालकर एक लूप लेंगे। अब हमारे हुक में चार फंदे हो गए। अब हम फिर से लूप लेंगे और दो दो फंदे को एक साथ उतारेंगे। तो चार से तीन फंदे, फिर से लूप लिया, तीन से दो फंदे, फिर से लूप लिया और दो से एक फंदे कर देंगे। इस तरह हम ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। फिर से देखिए, हमारे हुक में एक फंदा है, हमने इसे दो बार घुमाया। नेक्स्ट चैन में जाएंगे, लूप लेंगे। अब हमारे क्रोशिया हुक में फोर फंदा है, हमने फिर से लूप लिया और दो दो फंदे को एक साथ उतारना है। चार से तीन, तीन से दो और दो से एक कर देना है। इस तरह हमारे हुक में एक फंदा है, हम यूँ दो बार घुमाएंगे। नेक्स्ट चैन में जाकर हम एक लूप लेंगे। अब हमारे हुक में चार फंदे हैं, हमने एक हुक में अपना एक लूप लिया। अब दो दो फंदे को एक साथ उतारना है। तो चार से तीन फंदे, फिर लूप लिया, तीन से दो फंदे, फिर लूप लिया और दो से एक कर देना है। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह हम नॉट बनाना सीखे, फिर चैन स्टिच, फिर हमने स्लिप स्टिच बनाना सीखा, फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।